अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं तलबा ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कुछ ब्लॉग्स और बहुत ही मज़ेदार कुछ रेसिपीज लेके आती हूँ। वैसे ही आज का ब्लॉग भी बहुत मज़े का है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको मेरी वीडियो जो है ब्लॉग पसंद आएगा। आज हम लोग जा रहे थे कहीं पिकनिक पे, तो मैंने सोचा चले हम आपके साथ थोड़ा ना विज़िट मतलब आपके साथ शेयर करते जाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। आज जो हम जा रहे हैं सरगोदा वाली साइड पे। तो मैंने कहा चले दिखाते हैं, हम अड्डे पे बैठे थे, मैंने सोचा चलो यहीं से ही हम व्लॉग अपना शुरू कर लेते हैं। साथ में नन्हे मुन्ने से प्यारे से दो तोते भी लेके जा रही हूँ। देखिए कितने क्यूट है, ये जो बसें हैं इसमें से कोई बस पे भी हम नहीं जाएंगे, हमारी बस जो है अभी पीछे है। ये जी आ गई बस जिसपे हम जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बस थी अंदर से भी, और इनका सफ़र भी बहुत अच्छे से था, मतलब बहुत ही अच्छी बस थी। वो कहते हैं ना जितनी अच्छी बस होगी उतना ही अच्छा सफ़र गुजरेगा, और बहुत प्यारी बस थी। मैं अंदर से भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत थी, और सफ़र करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और आप लोग सोच रहे होंगे बस कितनी खूबसूरत है, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हम इस बस पर गए ही नहीं क्योंकि एंड टाइम पर आके बस वाला ने हमें धोखा दे दिया, हमारी बस ख़राब हो चुकी। उसके बाद हम एक दूसरी बस पे गए थे मंठार वालों के साथ, वो भी बहुत प्यारी बस थी, बहुत ही खूबसूरत बस थी, उनके साथ भी सफ़र करने का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मंठार पे बहुत दफ़ा हमने पहले भी ट्रायल गए हैं मंठार पे, बट हमने सोचा इस दफ़ा कुछ चेंज करते हैं, हमने चेंज किया, लेकिन किस्मत हमें ला वहाँ दोबारा मंठार पर ही फेंका, इसलिए हम मंठार पर ही जा रहे हैं अब। लेकिन बहुत अच्छी है बस, मंठार भी बहुत अच्छी है, पहले भी हम बहुत दफ़ा सफ़र कर चुके हैं, और वो कहते हैं ना किस्मत में मंठार ही लिखा था, और हम मंठार पे ही जा रहे थे। चलें आगे के चलते हैं जी, हमारा जो सफ़र है यहाँ से हदका बस से शुरू हो जाता है, और ये जो है रहीमिया खान पहुँच चुके हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े स्टॉप दिखाती जाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, पूरा पूरा व्लॉग बनाऊँगी। उसके बाद आगे थोड़ा सा, उसके बाद हम चढ़ गए हैं मोटरवे पे। अब मोटरवे पे दिखाऊंगी, ये जी हम अब मोटरवे पे जा रहे हैं क्योंकि लोकल साइड से नहीं जाते ये लोग। मोटरवे भी बहुत अच्छा सफ़र होता है, और इतना मज़ा आया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और आप जैसे शीशों पे पानी वगैरह आ रहा था बारिश का, तो बहुत ही हमने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमने मज़ा किया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस दफ़ा सफ़र का। तो मैंने सोचा कि मैं इंजॉय कर रही हूँ तो आप लोग के साथ भी थोड़ा सा व्लॉग शेयर कर दूँ। चलें जी अब तो हम मोटरवे पे आ गए हैं, अब ये पता नहीं कहाँ रोकेंगे, जहाँ पे रोकेंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, जहाँ से हम कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। लो जी उसके बाद जो है हम फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। एक व्लॉग में एक वीडियो जो है मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी, वो मैं नहीं बना पाई। उसके बाद हम जो है डायरेक्ट हम फैसलाबाद पहुँचे हैं, और देखिए माशाल्लाह फैसलाबाद कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा शहर है। जैसे वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, जिन्हें फैसलाबाद देखा नहीं वो भी नहीं जमया, मतलब फैसलाबाद आए विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है। और उसके बाद जो है हम घर पहुँच चुके थे, काफ़ी शाम हो गई है, मौसम अच्छा था, तो छत पे थी, तो मैंने सोचा यार छत पे आए ही हैं तो हम थोड़ा सा व्लॉग बना लें, थोड़ी सी वीडियो बना लें आप लोग, फिर दिखा दें कि हम खैर खैरियत से जो है घर पहुंच चुके हैं। और जी जिसको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और रुके और भी एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो है पहाड़ियाँ भी हैं, इसका विज़िट भी करवाएंगे किसी अगले व्लॉग में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।